मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला आदमी आखिरी और आखिरी आदमी पहले नंबर पे आ जाता है। जीवन में वैसे ही आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम कभी ना करें, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस और जर्मनी की बड़ी तैयारी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय यूनियन में इस समय डबल इंजन की कैटेगरी में राफेल लड़ाकू जहाज ही सबसे ज्यादा एडवांस लड़ाकू जहाज है, और काफी सारे टेक्निकल पॉइंट पे विश्लेषण करने के बाद यह बात साबित हो चुकी है कि राफेल ही दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़ाकू जहाज है जो पांचवी पीढ़ी का तो नहीं है, फिर भी राफेल द्वारा पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों को मार गिरने की संभावना लगभग 40% से ज्यादा है। और यही वजह है कि राफेल लड़ाकू जहाजों के आने के बाद चीन ने भी काफी दबाव महसूस किया है, और चीन को भी अपने G20 लड़ाकू जहाजों को अपग्रेड करने पर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन अब फ्रांस ने राफेल लड़ाकू जहाजों से भी आगे निकलने का फैसला किया है। दरअसल फ्रांस का मानना है कि अभी यूरोपीय यूनियन को अत्याधुनिक पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों की आवश्यकता है, और अब इसलिए फ्रांस ने जर्मनी के साथ मिलकर फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिस्टम यानी कि FCAS का जल्द से जल्द परीक्षण करने का ऐलान किया है, और इस परियोजना में जर्मनी और फ्रांस एक साथ मिलकर काम करेंगे। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस को राफेल लड़ाकू जहाजों से भी अब आगे निकलना होगा, और यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम मील का पत्थर साबित सिद्ध होगा, और आने वाले समय में यह राफेल लड़ाकू जहाजों की जगह लेगा। ऐसी खबर यह भी है कि आने वाले दिनों में फ्रांस की ओर से भारत को इस परियोजना में शामिल होने का न्योता दिया जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका ब्रिटेन भी अपनी पांचवी पीढ़ी के टेम्पेस्ट लड़ाकू जहाजों की परियोजना में भारत को शामिल होने का न्योता दे चुका है। लेकिन भारत ने अभी तक ऐसी किसी भी परियोजना में शामिल होने को लेकर अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैथ्स में रखल के दोस्तों, आपको यहां यह बात बताना बहुत जरूरी है कि भारत ऐसी किसी भी परियोजना में तभी शामिल होगा जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से जुड़ा कोई प्रस्ताव भारत को दिया जाएगा, क्योंकि भारत की दिलचस्पी लड़ाकू जहाजों से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत अपनी खुद की लड़ाकू जहाजों से जुड़ी परियोजना का विस्तार करना चाहता है। तो मैथ्स मिरेकल के दोस्तों, मैथ्स मिरेकल के इन्फो सेगमेंट से रिलीज देश विदेश की ये खबरें आपको कैसी लग रही है अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो इस वीडियो के अंदर इतने ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।